सोन कादी 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। हे श्री सूत जी महाराज, हमें भगवान की कथा सुनाओ, हमें गोविंद की कथा सुनाओ। अब वैसे तो श्री सूत जी महाराज केवल 21 वर्षीय हैं, उम्र में बड़े बहुत ही छोटे मालूम पड़ते हैं, और सामने बैठे हुए ऋषि मुनि बड़ी बड़ी लंबी आयु के हैं, जिनकी कई कई लाख वर्ष उम्र है। और कई तो ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनके जीवन में न जाने कितने इंद्र बदल गए, और कई ऐसे ऋषि मुनि हैं कि जिनके जीवन में न जाने कितने ब्रह्मा बदल गए, और कई तो ऐसे ऋषि मुनि हैं कि जिनके जीवन में न जाने कितनी चतुर युगियां बदल गईं, लेकिन अभी तक इस धराधाम पर विद्यमान है। आखिरकार इतनी सामर्थ्य, आखिरकार इतनी क्षमता, इतने लंबे समय तक इस पृथ्वी पर बने रहना, ये आई कहां से? अरे ये जो मम करण रसायनम है, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या हि कथा सारम, मम करण रसायनम। अरे माँ भगवती पराम्बा भोले बाबा के सामने बैठी हैं, वो भी तो निवेदन कर रही हैं, बाबा बार बार मैं ही क्यों मरती हूँ? अरे कभी आप क्यों नहीं मरते? आपने आखिरकार ऐसी कौन सी औषधि पी रखी है, आपने आखिरकार ऐसी कौन सी दवाई पी रखी है जो आप तो कभी मरते नहीं और बार बार मुझे मरना और जन्म लेना पड़ता है? तो बाबा, हे प्राणनाथ, हे दीनानाथ, हे पति परमेश्वर, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही हूँ, वो औषधि, वो रसायन, वो दवाई कृपा करके मुझे भी पिलाइए ना। आप अकेले अकेले ने वो दवाई पी रखी है, ये कहाँ का न्याय है, ये तो अन्याय है। तो बाबा मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं। तो ठीक यही प्रार्थना राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से करी, और यही प्रार्थना देखो नैमी सारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों की तरफ से सौनक है आदि में, जिनके श्री सौनक आदि माने सौनक जी महाराज जो सबसे श्रेष्ठ हैं, प्रश्न पूछने के मामले में बड़े ही दक्ष हैं, बड़े ही चतुर हैं, उन्होंने भी प्रार्थना करी। बोले हे सूत जी महाराज, अरे आप संकोच मत करो, आप किसी प्रकार की कोई शर्म मत करो, क्योंकि जिसने करी शर्म बाके फूटे, आगे क्या है? अरे थोड़ा जोर से बोलो, जिसने करी शर्म बाके फूटे करम। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो श्री सौनकादि कह रहे हैं, बाबा आप भले ही उम्र में छोटे से लग रहे हो, अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम, मम
मम करण रसायनम नेमिसे सूतमासीनम अभेवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सोन को ब्रवी श्रेयसाम यद भवच्छ्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्व साधनं तद्वदाधुना धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकिरा किंकिरा शिष्य किंकिरा श्री सोनक जी कह रहे हैं, अरे सूत जी महाराज, भले ही आप आयु में छोटे लग रहे हैं, 21 वर्ष की अवस्था कैसे लग रहे हैं, लेकिन महाराज आपसे हम निवेदन करें, गोविंद की कथा रूपी जो रसायन है आप हमारे करण रंध्र के माध्यम से, कान के माध्यम से आप उसे हमारे हृदय में उतार करके हमारे पेट में पहुंचा दीजिए, ताकि हमारा जीवन भी धन्य हो जाए, मंगलमय हो जाए, क्योंकि ऐसा करने में केवल और केवल आप ही समर्थ हैं। ऐसा करने में हम लोग लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष की आयु वाले होते हुए भी समर्थ नहीं हैं। हमारे श्रीमद् गोपाल विलास में महापुरुषों ने कहा, नर का अंतरतम अपहारी विज्ञ साधु नहीं रवि न भचारी। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नर का अंतरतम अपहारी विज्ञ साधु नहीं रवि न भचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखो महापुरुषों ने कहा, नर का अंतरतम अपहारी, बाबा वही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। सारे संसार को अपने प्रकाश से भर देने में, सारे संसार को प्रकाशित कर देने में केवल एक ही सूर्य समर्थ है, एक ही सूर्य पर्याप्त है, और एक ही सूर्य से सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। लेकिन ऐसे 1 करोड़ सूर्य भी उदय हो जाए तो भी नर के अंतरतम का हरण नहीं कर सकते। नर के अंदर अंतर हृदय में जो काम रूपी, क्रोध रूपी, लोभ रूपी, अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी जो अंधकार व्याप्त है,
उस अज्ञान का हरण करने में तो केवल आप जैसे प्रेमी महापुरुष ही सामर्थ्यवान है, अन्यथा एक करोड़ सूर्य उदय कर दो फिर भी जनमानस के अंतर मन में अंतर हृदय में प्रकाश नहीं कर सकते, उसका कल्याण नहीं कर सकते। अंदर प्रकाश करने में कानों के माध्यम से रसायन बना करके भगवान की कथा को पेट में उतारने में तो केवल आप जैसे महापुरुष ही सामर्थ्यवान हैं। बाबा हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। अरे संसार में कोई थोड़ा सा धन वृद्धा, कोई थोड़ा सा धन में बड़ा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे संसार में कोई बाहुबली होता है, थोड़ा सा हाथ पैरों से शरीर से बलवान होता है, बल वृद्धा। संसार में कोई उम्र में बड़ा होता है, कोई 80 का, कोई 90 का, कोई 100 साल का। और एक बाबा आए थे, वो शायद अभी यहाँ बैठे, वो राजकुमार जी से आगे बैठे चौथे नंबर पे। वो कल कह रहे थे, महाराज मेरी उम्र 103 वर्ष की हो गई और मैं इंतजार कर रहा हूं कि पता नहीं पोता या पोती की शादी विवाह हो जाए तो फिर मैं भी इस धराधाम से जाने की तैयारी करूं, लेकिन मन में संकल्प है कि जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं भी इस संसार को छोड़ करके जाने वाला नहीं हूं। तो देखो, कोई संसार में थोड़ा धन में बड़ा होता है, कोई संसार में थोड़ा बल में बड़ा होता है, कोई संसार में थोड़ा आयु में बड़ा होता है, लेकिन भैया संसार में सबसे बड़े तो केवल वही होते हैं जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जो ज्ञान और भक्ति के मार्ग का अनुसरण करते हैं। उम्र चाहे 10 वर्ष की हो, चाहे 5 वर्ष की हो, और चाहे लाखों करोड़ों वर्ष की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़े वही होते हैं जो किंकिरा शिष्य, किंकिरा माने ज्ञानियों के जो शिष्य होते, वो चाहे कितने भी छोटे हों। भगवान रमण बिहारी के दासों के जो शिष्य होते हैं, वो संसार की कितनी भी छोटी आयु के हों, लेकिन वही वास्तव में सबसे बड़े महापुरुष होते हैं। तो देखो, सोनकादि ऋषि निवेदन कर रहे हैं, बाबा आपके पास तो ऐसा धन है, ऐसी अद्भुत क्षमता है कि आपकी वाणी के माध्यम से साक्षात श्री वृंदावन बिहारी, श्री बांके बिहारी, श्री रमण बिहारी ही हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। कान के माध्यम से, शब्द के माध्यम से जब गोविंद पेट में उतर जाएगा तो हमारे हृदय का और हमारे पेट का ऐसा शुद्धिकरण हो जाएगा कि फिर तत्पर शुद्धिश्च गम्या लोक वल्लिंगेभ्यः। श्री तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही रामायण में, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शब्द रूपी गोविंद कान के माध्यम से जब तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता है तो तुम्हारे हृदय का शुद्धिकरण हो जाता है, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है
कि फिर आनंद का सरोवर तुम्हारे हृदय में हिलोरे मारता है और कहीं न कहीं से वो छलक जाता है, आंख के माध्यम से छलक जाता है, वाणी कंठ के माध्यम से भी छलक जाता है। मुंबई कितने लोग गए तुम लोगों में से? चलो दो चार तो गए ही हैं, तो समुद्र के किनारे गए कि नहीं? मुंबई में अभी 6 महीने पहले हम कथा करके आए तो हम भी सागर के किनारे घूमने के लिए, आनंद लेने के लिए गए। सागर भी तो भगवान ही है। श्री तुलसीदास जी ने देखो सागर के बारे में कितनी सुंदर बात कही रामायण में, जिन के श्रवण समुद्र समाना, जिन के श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरदाना, तुम्हारे सुभग सरदाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, दिन के हिय तुम कहूँ गृह रूरे, दिन के हिय तुम कहूँ गृह रूरे। कितनी सुंदर बात कही श्री तुलसीदास जी महाराज ने, जब भगवान श्री राम माता जानकी की खोज के लिए दंडकारण्य से गुजर रहे हैं, तो देखो भगवान गए हमारे श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में, और श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के भगवान ने श्री वाल्मीकि जी से रहने का स्थान पूछा। बोले बाबा हमारे लिए कौन सा स्थान निर्धारित किया है, हम कहाँ रहें? तो देखो वाल्मीकि जी ने कितनी सुंदर बात कही, बोले हे प्रभो, हे रघुवर, आपके रहने के लिए संसार में सबसे जो सर्वोत्तम स्थान है वो तो यही है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, माने जिसके कान तुम्हारी कथा तुम्हारे गुणानुवाद श्रवण करने में समुद्र के समान है। तो देखो कानों की तुलना समुद्र से क्यों करी, विचार करने वाली बात है। कानों की तुलना समुद्र से इसलिए करी क्योंकि अनादि काल से देखो न जाने कितनी नदियां समुद्र को जल ला ला करके दे रही है, कभी समुद्र ने किसी भी नदी से ये नहीं कहा अरे नदी, अरे गंगा, अरे यमुना, अरे कावेरी, अरे सरयू, अब तो भगवान बस कर, इतने हजार लाख वर्ष से तू जल लेकर के आ रही है, तेरा जल ले ले करके मैं थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ, तेरे से मैं अघा गया हूँ, अरे अब मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, अब कहीं और ले जा करके अपने जल का संग्रह कर। अनादि काल से न जाने कितनी नदियां सागर को जल ले जा करके दे रही हैं, लेकिन सागर सहर्ष बड़े प्रेम के साथ सभी नदियों का जल स्वीकार कर लेता है, और ऐसा नहीं है कि ज्यादा जल आ गया तो सागर ने उफान मार दिया, सारी दुनिया समाप्त कर दी। सागर सारी दुनिया को समाप्त कर देने में समर्थ है, लेकिन फिर भी सागर अपनी मर्यादा में रहता है, अपनी उसकी जो सीमा है उस सीमा के अंदर हमेशा बना रहता है, यही सागर की महानता है। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने श्रोताओं के कानों की तुलना सागर से करी, माने जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरे नाना,
माने तुम्हारी कथा को सुनते सुनते जिनके कान कभी अघाते नहीं, कभी थकते नहीं, जैसे सागर कहता है ना, और लाओ और लाओ और लाओ, कितना भी लाओ। पिबत भागवतम रसम आलयम मुह रहो रसिका भुवि भावुका। अरे बाबा क्या कह रहे हो, कितनी बार पिए, अभी तुमसे पहले कुछ दिन पहले ही करके यहाँ भागवत करके एक वक्ता गए, अरे परेशान हो गए थे हम 7 दिन सुनते सुनते, कितनी बार कथा सुने। तो देखो जिनके हृदय में इस तरह की भावना आ जाती है, ऐसा भाव आ जाता है, वास्तव में वो कथा के मर्मज्ञ नहीं है, वास्तव में उन्होंने कथा की महिमा को जाना ही नहीं। अरे कथा के रस की महिमा के मर्मज्ञ तो हमारे श्री सौनक जी हैं, सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि हैं जो जानते हैं कि भगवान की कथा की क्या महिमा है। अरे जितनी बार पिएंगे, जितनी बार श्रवण करेंगे, उतनी बार एक नया आनंद आता है, उतनी बार एक नया उत्साह वर्धन होता है, उतनी बार हमारे जीवन का मंगल होता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो पिबत भागवतम रसम आलयम मुहरहो रसिका भुवि भावुका। बोले कितनी बार पिए, बोले 1 बार 10 बार 50 बार 20 बार। बाबा एक ही बार बता दो कि 100 बार पी लो। तो बोले नहीं, जीवन पर्यंत जब तक तुम्हारी आखिरी सांस है तब तक तुम भगवान की कथा का पान करते रहो, जब तक तुम्हारे पास आखिरी क्षण है तब तक तुम मेरे गोविंद की कथा का श्रवण करते रहो। अरे मुक्ति तो केवल एक ही क्षण में होती है, न जाने वो कौन सा क्षण होगा जब तुम्हारी सांसें इस संसार सागर से बंद होंगी। अरे क्या पता ऐसे समय में तुम भगवान का जप कर रहे हो, माला जप रहे हो या कथा सुन रहे हो, काश ऐसे समय में हमारे शरीर की सांस बंद हो जाए तो फिर इस संसार में दोबारा आने की हमें आवश्यकता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए श्री तुलसीदास जी ने भगवान की कथा सुनने वाले जो रसिक हैं उनके कानों की तुलना सागर से करी। बोले हे प्रभु, हे रघुवर, जिनके कान सागर के समान विशाल हैं, जो भगवान की कथा सुनते सुनते कभी थकते नहीं, अघाते नहीं, जो ये नहीं कहते कि कितनी बार सुने, अभी 2 महीना 3 महीना पहले ही तो सुनी है, क्या 2 महीना 3 महीना पहले तुमने ऐसी कथा सुनी? कथा वही है, शब्द भी कथा के अंदर जो है वो वही है, लेकिन हर व्यास का एक अपना स्वभाव होता है, एक ही श्लोक को 1,000 वक्ता बोलेंगे ना तो उनका सबका अलग अलग एक रस होता है, एक ही श्लोक के अर्थ को करोड़ों वक्ता समझाएंगे तो उन सभी करोड़ों वक्ताओं का एक अलग आनंद, एक अलग रस होता है, सबकी कथा कहने की जो शैली है ना वो सबकी अलग होती है। हम जो कर रहे हैं वो आपको कोई दूसरा नहीं सुना सकता, क्योंकि ये हमारे हृदय से स्वयं श्री ठाकुर जी ही इस शरीर के माध्यम से बोल रहे हैं। अब उनको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, ये हमारे श्री ठाकुर जी के ऊपर ही निर्भर करता है। यहाँ कोई किताब तो पढ़ी नहीं जा रही कि किताब में जो लिखा है केवल वही लाइन बांचनी है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो हर वक्ता के हृदय में गोविंद प्रकट हो करके, और गोविंद भी देखो आनंद रूपी गोविंद उसी के हृदय में प्रकट होता है जिसके हृदय का शुद्ध भाव होता है, जिसके हृदय में कोई छल कपट दंभ पाखंड नहीं होता, उसके हृदय से तो साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होकर के बोलते हैं, उसकी वाणी में साक्षात श्री कृष्ण ही अपनी कथा सुनाने में समर्थ हैं।
बाकी तो संसार में और कोई ऐसा वक्ता हुआ ही नहीं है जो भगवान की कथा सुना सके। अरे भगवान की कथा तो केवल भगवान ही किसी रूप में आकर के तुम्हें सुना सकते हैं। तो भगवान की कथा को सुनते सुनते आप कभी अघाना मत। श्री राम जी को श्री वाल्मीकि जी ने जगह बताई, बोले हे रघुनाथ, हे रघुवर, हे प्रभु श्री राम, आप ऐसे भक्तों के, आप ऐसे मानवों के, आप ऐसी माता बहनों के हृदय में जाकर के निवास करिए, आप उनके हृदय में सदा सर्वदा विद्यमान हो जाइए, जिनके हृदय में सदा सर्वदा, जिनके कानों के माध्यम से तुम्हारी कथा का श्रवण होता है, जिनके श्री मुख से तुम्हारी कथा का गायन होता है, जिनके द्वारा तुम्हारी कथा संसार में कराई जाती है, आप उनके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। मुझे तो लगता है कि इससे अच्छा स्थान आपके लिए संसार में मैं और कोई नहीं दे सकता। तो देखो कितना सुंदर स्थान दिया महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान के रहने का। तो भगवान गोविंद की कथा हमारे मानव जीवन को सफल बनाती है। प्रेम से बोलो राधे, तुम्हारे हृदय रूपी भवन में जो अंधकार बैठा है, जो भरा है, उस अंधकार को दूर करने में तो केवल महापुरुषों के मुखारविंद से निकलने वाली जो भगवान श्री हरि की कथा है, केवल वही सामर्थ्यवान है। तो आज नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रार्थना करी, अरे सूत जी महाराज, आप हमें भगवान की कथा सुनाओ। भैया मैं क्या तुम्हें कथा सुनाऊं? बोले नहीं, आप ही सुनाओ। क्योंकि जब भी हम भगवान का ध्यान करते हैं तो एक आध मिनट के लिए तो ध्यान लगता है, लेकिन जैसे ही घर से बच्चा, हमारे बालक, पापा या पिताजी कह करके पुकारते हैं, ध्यान भंग हो जाता है, भगवान हृदय से गायब हो जाते हैं। और केवल बालक ही नहीं, बालकों को जन्म देने वाली जो हमारी अर्धांगिनी जो माताएं हैं, अरे उनकी भी तो आवश्यकताएं हैं, उन्हें भी नमक मिर्च तेल साबुन और भी न जाने क्या क्या घर के लिए चाहिए। तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में और बाल बच्चों के लालन पालन में, देख रेख में हमारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। बाबा जब भी हमें समय मिलता है, थोड़ी देर के लिए हम ध्यान लगाते हैं, सांवरिया सरकार की झांकी हमारे हृदय में आती है, लेकिन दूसरे ही पल गायब हो जाती है। तो भैया तुम क्या चाहते हो? बोले हम ये चाहते हैं कि भगवान की कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्दुदाधुना। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे गोविंद की, हमें हमारे प्रियतम की, हमें हमारे सांवरिया सरकार की, हमें हमारे रास बिहारी, रमण बिहारी, बांके बिहारी, कुंज बिहारी की प्राप्ति सदा सर्वदा के लिए सस्वत प्राप्ति हो जाए। अरे ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई साधन बताइए। तो देखो हमारे श्री सूत जी महाराज को नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर जबरदस्ती विराजमान कर दिया और हाथ जोड़ करके निवेदन के साथ में सारे ऋषि मुनि बैठ गए, जैसे आप लोग बैठे हैं। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि देखो संसार में जिसके जीवन में गुरु नहीं है, समझ लेना कि उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। याद करने लायक चार शब्द हैं, जिसके जीवन में अभी गुरु नहीं है, समझ लेना कि उसका जीवन अभी शुरू नहीं है। तो गुरु बनाने के बाद हमारा एक नया जन्म होता है, वही वास्तव में हमारे जन्म की, हमारे शरीर की, हमारे जीवन की सार्थकता होती है। तो देखो श्री सूत जी ने कहा कि महाराज
गुरु कृपा के बिना, संत कृपा के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है, भगवान की कथा भी संभव नहीं है। इसलिए आप सबको कथा सुनाने से पहले हम जरा अपने गुरुजी का ध्यान तो कर लें। तो आप भी अपने गुरुजी से प्रार्थना करना, निवेदन करना कि गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। कितना सुंदर भाव है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में रहने वाले हर प्राणी को हृदय के भाव के माध्यम से अपने गुरुजी के चरणों में रोज ऐसा निवेदन करना चाहिए। चाहे वो कथा में बैठ करके करो, चाहे घर में बैठ करके करो, लेकिन गुरुजी के प्रति ऐसा निवेदन आपका रोज डेली होना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। गुरु बिन भवनिधि तरैन कोई जे बिरंच शंकर सम होई। और भी न जाने ऐसे कितने दृष्टांत हैं, और भी न जाने ऐसे कितने प्रमाण हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में। बिना गुरु के इस भवसागर से पार जाना संभव नहीं है। बिना गुरु के जीव का कल्याण संसार सागर से नहीं होता। यदि तुम्हारे पास संसार में चिंतामणि नामक कोई मणि मिल जाए, जिसके आने मात्र से, रखने मात्र से आप अपने संसार की सारी चिंताओं का हरण कर लें, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएं, आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएं, और फिर आप दीन दुखियों की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की, गौओं की, देश की, राष्ट्र की सेवा करें। जब आप इस धराधाम से जाएंगे तो देखो सारे संसार में आपको सब कुछ प्राप्त करा देने वाली चिंतामणि सुरद्रुह स्वर्ग संपदम आपको स्वर्ग के भोग तक ले करके जा सकती है। लेकिन ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विसंति ही। जैसे ही तुम्हारे पुण्यों का स्वर्ग में भोग भोगने के माध्यम से क्षय हो जाएगा, फिर से देवता लोग तुम्हें किसी माता के गर्भ में धकेल देंगे और फिर से तुम इसी संसार में आकर के अपने कर्म के हिसाब से जन्म पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे तुम्हें संसार में चिंतामणि नामक मणि प्राप्त हो जाए, चाहे तुम्हें कोई हीरे जवाहरात प्राप्त हो जाए, चाहे तुम्हें पारस मणि मिल जाए, वो मणि आपको संसार की और स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तो करा सकती है प्यारे, लेकिन उस मणि के माध्यम से तुम्हें मेरे गोविंद का अनुभव नहीं हो सकता, तुम्हें भगवान द्वारिकाधीश के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान श्री वृंदावन बिहारी के धाम में तो तुम्हें केवल और केवल गुरु कृपा ही लेकर के जाती है। जब तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर के तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, बेटा सदा सुखी रहो, दिन दूना रात चौगुनी तरक्की करो, तो संसार का वैभव स्वर्ग का भोग तो तुम्हें प्राप्त होता ही है। लेकिन जब इस धराधाम से जाते हो तो सीधा गुरु जी की कृपा के विमान में बैठ करके मेरे गोविंद की धाम की भी प्राप्ति होती है। तो ये सब गुरु कृपा से, संत कृपा से संभव है, अन्यथा और कोई कृपा से संभव नहीं है। इसलिए श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु महर्षि वेद व्यास जी श्री सुखदेव जी का भी ध्यान किया और कहने लगे, भैया ऋषियों आपको हम कथा क्या सुनाएं, अरे हम क्या भगवान की कथा करेंगे,
लेकिन फिर भी आपको कथा सुनाने से पहले हम बता दें, थोड़ा संसार का ज्ञान हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब तक संसार का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुमसे ये संसार छूटेगा नहीं। तो कितना सुंदर एक ही श्लोक के माध्यम से हमारे श्री सूत जी महाराज ने संसार का ज्ञान कराया। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जात जंजीर जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं सोचितुमर्हसि एतस्माद् परं किञ्चिन् मनः शुद्धै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतं लभे तदा भागवतं लभे श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सोनकादि ऋषियो, भैया ये संसार तो काल का व्याल है। काल का व्याल क्या है? माने काल रूपी अजगर के मुख में हम सब लोग बैठे हुए हैं, ये काल का व्याल है। अब देखो यहां हमारी नहीं चलेगी, अब ये तो अजगर की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। उसने हमें अपने मुख के अंदर लेकर के रखा हुआ है। हमारी मृत्यु उसी क्षण हो जाएगी जब अजगर सांप ऐसे अपना मुंह बंद कर लेगा, हमारी सांस रुक जाएगी, हम मर जाएंगे, अजगर का भोजन बन जाएंगे। तो काल का व्याल क्या है? काल का व्याल ये सारा संसार है, ये एक प्रकार से अजगर ही है। इस संसार रूपी अजगर के मुख के अंदर हम सब लोग बैठे हुए हैं। अब न जाने कब किसकी मृत्यु आई है, कब अजगर अपना मुंह बंद कर ले और हम संसार से चले जाएं। इसीलिए कहा है कि आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। अरे चाहे कोई कितना बड़ा भी राजा हो जाए, महाराजा हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, तो भी उसे इस संसार सागर से जाना ही पड़ता है। और चाहे कोई कितना बड़ा भी बाबा जी हो जाए, साधु हो जाए, संत हो जाए, फकीर हो जाए, उसे भी इस संसार सागर से जाना पड़ता है।
लेकिन कर्म के आधार पर ही इस संसार से जीव की गति होती है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्मन्ने बाधिकारस्ते मां फले सुकदाचन, मां कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगोस्त कर्मणि। और श्री तुलसीदास जी ने रामायण में सुंदर बात कही, कर्म प्रधान बीश्वर चिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान बीश्वर चिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान बीश्वर चिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान बीश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो देखो कितनी सुंदर बात है, आप संसार में रह करके जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। कहते न भैया दिल्ली जाओ चाहे बंबई, कर्म जाएगा संगई। कहीं भी चले जाओ तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ ही जाएगा। तुमने जो किया है, तुमने जो दान किया है वो तुम्हारे साथ जाएगा। तुमने इस शरीर से जो कर्म किया है वो भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। वो तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, चाहे तुम सारे संसार में कहीं भी जा करके छिप जाओ। मन के मारे वन गए, कई बार ऐसा होता है ना, हमारा मन बड़ा व्याकुल हो जाता है, न जाने कितने प्रकार के कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म निकृष्ट कर्म करते करते हम संसार में ऊब जाते हैं। और फिर मन में वैराग्य, क्षणिक वैराग्य, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य उत्पन्न होता है। और फिर सोचते हैं यार ये संसार में कुछ नहीं है, ये संसार को छोड़ करके बाबा जी हो जाना चाहिए, साधु बन जाना चाहिए। कई लोग तो शादी से पहले ही चले जाते हैं, हमारे जैसे मूर्ख। हम भी बहुत छोटे से थे जब बहुत ज्यादा संसार का ज्ञान नहीं था, तभी ऐसा वैराग्य सवार हुआ सिर में। तो ये भी देखो, एक भगवान को जिसे खींचना होता है ना, अब भगवान को अपनी कथा इस शरीर से करनी थी। और न जाने कितने हजार जीवों का कथा के माध्यम से कल्याण करना था, न जाने कितने श्रोताओं के कान के माध्यम से गोविंद को हृदय में प्रवेश करना था। तो हमें स्वयं को पता नहीं लगा कि हम कैसे बाबा जी बन गए, कैसे साधु बन गए, और क्यों हम घर छोड़ करके भाग करके आ गए, हमें स्वयं को नहीं पता लगा। तो देखो ये भी भगवान की कृपा है, ये भी भगवान की दया है। भगवान को संसार में जिस व्यक्ति से जो काम लेना होता है, जो कराना होता है, वो भगवान अपने आप कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनाते हैं कि उसे खींच लेते हैं। कई शादी के बाद दुखी होकर के जाते हैं, हम दुखी होकर के नहीं आए, क्योंकि हमारी शादी तो हुई नहीं तो हम दुखी कहाँ से होते। भाई दुखी तो संसार में गृहस्थ जीवन वाले कहते हैं, बाबा हम बड़े दुखी हैं, अब क्या बताएं आपको, हम जा भी नहीं सकते। छोटे छोटे बालक हैं बाबा, बुढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं बाबा कैसे जाऊं, वो नाती है नतनी है, वो बड़े प्यार से बोलते आकर के बाबा बाबा कह करके मेरी छाती पे चढ़ जाते, मेरे गले लग जाते, मुझे बड़ा आनंद आता है, बड़े सुख की अनुभूति होती है, मैं कैसे जाऊं घर छोड़ करके, संसार छोड़ करके, मेरे घर का क्या होगा, बालकों का क्या होगा, बालकों के बालकों का क्या होगा, मेरी धर्म पत्नी का क्या होगा, और भी न जाने कितने काम संसार में मैंने डाल रखे, उनका क्या होगा।
लेकिन कई संसार से दुखी हो करके घर बार पत्नी मकान दुकान बाल बच्चे सबको छोड़ करके चले जाते हैं। मन में वैराग्य चढ़ गया, चले गए। दो चार वर्ष रहे जंगल में, लेकिन दो चार वर्ष बाद फिर भगवान की माया ने ऐसा चक्र चलाया कि मन के मारे बन गए। बन तजे बस्ती माय, और फिर वन को छोड़ करके, जंगल को छोड़ करके फिर चले आए। फिर कहीं बस्ती में आकर के मंदिर बना लिया, कहीं बस्ती में आकर के डेरा आश्रम बना लिया, और फिर से संसार के बीच में आ गए। जिस संसार को छोड़ करके त्याग करके गए थे, फिर से उसी संसार के अंदर आ गए। तो देखो, कहने का भावार्थ ये है कि तुम संसार को शरीर से नहीं छोड़ सकते। तुम अपने कर्मों का त्याग शरीर से नहीं कर सकते, क्योंकि त्याग तो तुम्हारे मन से होना है। जैसे तुम कर्म करते हो, कर्मों का लेखा जोखा अदृश्य रूप से रहता है, वैसे ही हमारा मन भी हमें कहाँ दिखाई देता है, वो भी अदृश्य होता है। लेकिन आप अपने अंतर मन से यदि कर्मों का त्याग कर दें, आप अपने अंतर मन से संसार का त्याग कर दें, तो आप संसार के बीचों बीच रहते हुए भी संसार से पृथक हो जाएंगे, संसार से अलग हो जाएंगे। केवल शरीर को दुखी होकर के आप भगा करके ले जाओ जंगल में, दो चार साल तपस्या करो तो संसार वाले वहीं जाके घेर लेते हैं, वहीं बड़े बड़े आश्रम बन जाते, वहीं बड़े बड़े डेरा मकान दुकान बन जाते, हजारों लोग बस जाते हैं। फिर से जंगल में मंगल हो गया। इसलिए घर छोड़ करके भागने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, घर में कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब नॉर्मल है, संसार में चलता है। कई बार पति पत्नी को डांट देता है, अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि केवल पति ही डांटता रहे, पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। अरे, पत्नी का भी उतना ही अधिकार है पति के ऊपर जितना कि पति का है। लेकिन पत्नी चूंकि एक मर्यादित जीवन में अपना जीवन व्यतीत करती है, इसलिए उसे मौका देख करके चढ़ाई करनी चाहिए जब घर में कोई न हो, और 100% उसके पास में सबूत हो कि तुमने गलती की है और देखो ये इसका प्रमाण है। तो ऐसे समय में तुम चढ़ाई कर दो, और ऐसे समय में कितना भी डांटो, कितना भी बरसो, फिर देखो मुंह नीचे की तरफ ही लटका रहेगा। तुम्हारे सामने सारी अकड़, सारी हेकड़ी तुम्हारे पति की निकल जाएगी। तो केवल पति का ही अधिकार नहीं है, जितना अधिकार पति का है उतना ही पत्नी का है। और कहो तो हमारी दृष्टि में तो पत्नी का अधिकार थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो बेचारी देखो तो सही, तुम्हारे लिए कितना बड़ा त्याग करके आई है, वो तो संतनी ही बन गई। कहने का देखो क्या सुंदर भाव है। अरे, 100 किलोमीटर दूर से, 50 किलोमीटर दूर से अपने माता पिता भाई बहन बंधु नातेदार रिश्तेदार सभी को छोड़ करके तुम्हारे घर में कितनी मुश्किल से 2-4 साल लगे उसे एडजस्ट होने में, सबको अपना बनाने में। तो कितनी बड़ी तपस्या उसने करी, तो उसका अधिकार तो तुमसे ज्यादा है। इसलिए सभी पतियों से निवेदन है कि अपनी अपनी पत्नी को ज्यादा से ज्यादा प्रेम करें, साथ में बैठ करके कथा सुने। और सभी पत्नियों से भी आग्रह है
कि वो भी अपने पतियों से प्रेम करें, भगवान की कथा सुने, प्रेम से जीवन व्यतीत करें, यही जीवन का सार है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो, मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माँ है, कहे कबीर मन लालची ये कहूँ ठहरत ना है। ये मन इतना लालची है, इतना निकम्मा है, इतना दुस्तर है कि ये कहीं भी हमें ठहरने नहीं देता। इस मन को रोकने के लिए सुनी जाती है श्रीमद् भागवत की कथा, मेरे गोविंद की कथा। तो मन के शुद्धिकरण का एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तुम्हारे मन के शुद्धिकरण का श्रीमद् भागवत कथा से श्रेष्ठतम सरलतम सहजतम साधन सारे संसार में और कोई नहीं है। यदि तुम्हें अपने मन का शुद्धिकरण करना है, तुम्हें अपने जीवन में आनंद प्राप्त करना है, तो आप श्रीमद् भागवत की कथा के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के श्रवण के माध्यम से अपने जीवन में अपने बांके बिहारी रमण बिहारी से नैना लड़ा करके आप अपने जीवन में आनंद ला सकती हैं, ला सकते हैं। देखो, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, अरे सखी क्या बताऊं, जब से ये रमण बिहारी बांके बिहारी रास बिहारी को देखा है ना, जब से मैंने इसके नैनों से अपने नैना मिलाए हैं ना, दो नैनों, पहले मेरे पास में दो ही नैना थे, लेकिन बांके बिहारी को देखने के बाद अब चार हो गए हैं। पहले दो ही थे पति और पत्नी, लेकिन दो बालक और हो गए, तो अब कितने हो गए, चार। दो नैनों से दो नैन और मिले तो कितने हो गए, चार। तो नैना लड़ गए श्याम सलोने से। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे सोनकादि ऋषियों, श्री वृंदावन बिहारी लाल के साथ में हमारे नैना लड़ जाएं, हम अपनी आंखों से भगवान गोविंद को अपने जीवन में निहार लें, यही वास्तव में हमारी कथा सुनने की सार्थकता है, यही हमारे जीवन की सफलता है। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो, नाम रूप लीला और धाम ये चार ही तो होते आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत में। कथा के माध्यम से तुम्हें, भजनों के माध्यम से तुम्हें भगवान का नाम भी हम लोग बार बार स्मरण कराते हैं, बार बार बुलवाते हैं, और तुम्हारे शरीर से ये जो नित्य करने में सेवा हो रही है ना, ये सेवा तुम अपनी मौज मस्ती या संसार के लिए नहीं कर रही हो, ये तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के अघों को धोने के लिए पर्याप्त है। तो जब भी श्री ठाकुर जी की कथा में कोई सुंदर भजन का गायन हो, तो सभी माता बहनों को, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि जान करी शरम बाके फूटे कर्म, इसलिए कर्मों को फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब भी भगवान का कोई ऐसा बढ़िया भजन हो रहा है जहाँ बैठे बैठे ही पैर उठ रहा है, लेकिन सोच रही हैं कि अब खड़ी होने में शर्म सी आ रही है, तो फिर हमारा ये सूत्र याद कर लिया करो कि जान करी शर्म बाके फूटे कर्म। इसलिए ठाकुर जी का कोई भी भजन हो, नाचने से, झूमने से, आनंद लेने से परहेज नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे, क्योंकि यही नाम है भगवान का रूप। अरे भगवान के रूप का ही दर्शन तो करा रहे थे आपको इतनी देर से, लगभग 3 घंटे होने वाले, तो 3 घंटे से हम लगातार बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे थे, कोई संसार की फालतू बात करी, कोई चुटकुला सुनाया, या फिर कोई
मटर गस्ती करी या कोई ऐसी वैसी बात करी हो तो बताओ। अरे इतनी देर से हम बोल रहे हैं तो ये भगवान के रूप के श्रीमद् भागवत रूपी आनंद के दर्शन और भजनों के माध्यम से नाम ही तो लिया जा रहा है। तो नाम रूप और भगवान की लीला, तो भगवान की लीलाएं भी आप श्रवण करोगे जब हमारे नंद के लाला प्रकट हो करके हमारे जीवन में आ जाएंगे, तब हमारे लाला की लीलाओं का श्रवण भी होगा। और भगवान का धाम, तो भगवान के धाम कौन जाता है उसका भी वर्णन हमने श्रवण किया। भाई भगवान के धाम की प्राप्ति तो वही करता है जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, और गुरु की कृपा से वो भगवान की कथा भी सुने, भगवान का नाम भी ले, तो सीधा संसार सागर से भगवान के धाम में ही जाता है। तो इसलिए शर्म करवे की जरूरत ना है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो जो भी भजन का आनंद हमारे जीवन में आए हमें ले लेना चाहिए, उसका लाभ उठा लिया करो, क्योंकि ये सेवा तुम अपने श्री ठाकुर जी के लिए कर रही हो। तुम्हारे शरीर से नित्य के माध्यम से भगवान की सेवा हो रही है, क्योंकि सेवा तीन प्रकार की होती है, मनसा वाचा और कर्मणा, तीन प्रकार की सेवा होती है। तो तीन प्रकार की सेवा के अंदर ये भी एक सेवा है तुम्हारी, जो तुम कर्म से कर रही हो। शरीर से कर्म होता है तो शरीर के माध्यम से नित्य करना ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के भजन में, ये श्री ठाकुर जी की ही सेवा है। ये आप हमारे लिए या अपने लिए या संसार के लिए नहीं नाच रही हो, ये आप श्री ठाकुर जी के लिए नाच रही हो। इसलिए प्रेम से बोलो राधे। तो हमारी किशोरी श्री राधिका रानी का नाम कैसा है? अरे मिश्री से भी ज्यादा मीठा है। कभी चाख करके देखा है? अरे चाख करके तो केवल वही देख सकती है जो खड़ी होगी, और जो खड़ी नहीं होगी ना वाकू पतो नहीं लगेगा कि राधा रानी को जो नाम है कि वो मीठो है कि खट्टो है या